किसने किसने मैं मुझसे कुछ नहीं बोलूंगा मैम। क्या नहीं बोलूंगा मैम? अब सच में कुछ नहीं बोलूंगा मैम। सच में जब कुछ बोला नहीं तो सारी क्यों बोला तुमने? मैम अब से मम्मी के साथ पापा के साथ कुछ नहीं बोलूंगा मैम। मम्मी कसम ये पापा कसम आप सब बता दूं तुम्हें रखते ना प्रिंसिपल के कम। सॉरी सॉरी सर सॉरी। अरे कविता जी क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को ऐसे धक्का पड़ा मारते हैं। अरे आप इसकी टीचर हैं सर? ये बच्चे नहीं बाप हो चुके हैं। ये हमें टीचर नहीं समझते, हमें फटीचर समझने लगे हैं। धीरज बेटा होमवर्क करके नहीं लाए? सर मैं बताती हूँ आपको, ये पंडित जी यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं, हमारा नामकरण करने आते हैं। अच्छा नामकरण मतलब? सर मैंने नहीं रखा नाम, सच में सर विद्या कसम सर मैंने नहीं रखा वो सर इन्होंने। पर बोला तो तूने था ना, या तो तेरे पिताजी यहाँ आएंगे या तेरा नाम काट कर तुझे घर वापस भेज दिया जाएगा। कविता जी ऐसा क्या नाम रख दिया बच्चे ने? इधर तक तो ठीक था सर, कल मैं अपने पति के साथ बाजार जा रही थी, ये लोग चिमकांडी कहकर छिप गए। कविता जी बच्चे ने नाम अच्छा रखा है। सर आप भी? क्या मतलब है बेटे चिमकांडी का? सर चिमकांडी शब्द की उत्पत्ति दुबले पतले लोगों से होती है और इसका प्रयोग सर यूट्यूब और रील्स के लिए किया जाता है। कविता जी इतनी अच्छी हिंदी बच्चे की कैसे पढ़ा लेते हैं आप, अद्भुत। वाह धीरज मैं मान गया आपको और आपकी टीचर को, क्या बढ़िया पढ़ा लेते हैं आप। वाह सर ये नामकरण की दीदी कौन पढ़ा रहा है इनको? इन्होंने मेरा ही नहीं आपका भी नाम रखा हुआ है। मेरा नाम? सर मम्मी कसम मैंने नहीं रखा है। तो किसने रखा है तो बताओ ना। हैप्पी हैप्पी मैं हमेशा हंसता रहता हूँ इसलिए मेरा नाम हैप्पी रखा है ना धीरज बेटा। सर हैप्पी नहीं सर, हैप्पी ने आपका नाम रखा है और चिमकांडी भी उसी ने रखा है। सर रमेश भटनागर उसका घर का नाम हैप्पी है, उसी ने रखा है आपका नाम। बेटा मेरा नाम क्या रखा है? सर सफेद हाथी। अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराने वाली बात क्या है कविता जी? क्या मुस्कुराने वाली बात है इसमें? अरे क्या बिना अर्थ के नाम रखा है तूने सफेद हाथी है? इसका भी अर्थ है सर, इन्होंने इसका अर्थ भी किसी मुहावरे से निकाला है। बताओ धीरज। सर सफेद हाथी का अर्थ होता है ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई मूल्य न है या तो बहुत कम मूल्य है। सर ऐसी कोई संपत्ति जिसके रख रखाव में ज्यादा खर्च हो रहा हो और उसका मूल्य कम हो और वो किसी काम की ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो, जो विरर्थ हो, जिसका कोई मूल्य ना हो। गलत क्या बोला? क्या बोल रहे हो? क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या बड़बड़ा कर रहे हो? और तुम क्या बोल रहे थे? सफेद हाथी हमारे यहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं। सफेद हाथी हमारे हिंदुस्तान में है। सबको बता दो मेरा नाम सफेद हाथी है, लाउड स्पीकर ले लो हाथ में। क्या सफेद हाथी हाथी सफेद हाथी आपको पता था इसका नाम चिमकांडी है? सर मेरे को ये तो पता था इसका नाम चिमकांडी, पर सर आपका नाम सुमेधा। छिद्दा। क्या बोला तुमने? चपरासी का नाम छिद्दा रखा है। क्या बोल रहे तुम? चपरासी सर मैंने नहीं रखा है वो, प्रमोद कार्तिक ने रखा है सर, कसम से सर मैंने नहीं रखा है। तुमने इनका नाम चित्ता रखा है? अरे ये चित्ता है? अरे कविता जी ये तो हमसे दो कदम आगे निकल गए चित्ता। अरे कान नहीं हाथ थे। सर पीटी टीचर का नाम लहरिया।
भगवान वाले सर का नाम कबूतर और संस्कृत वाले सर का नाम लोटा और बस चिता सफेद हाथी व्याख्या के साथ बताया है। वाह गुरुजी, पकड़ लीजिए इसे, ले जाइए इसे। सर मम्मी कसम सर मैंने नहीं रखा सर, हैप्पी पर मोन अंकित ने रखा है सर। बुला के लाओ तीनों को। सर वो तो अब तक स्कूल से चले भी गए होंगे, उनका थिएटर जाने का प्लान था क्योंकि थिएटर में गदर मूवी लगी हुई है सनी देओल की। बेटा विद्यार्थी फूलों की तरह होते हैं और अध्यापक वहाँ के माली होते हैं, ऐसे कांटे जैसे दोस्तों के चक्करों में मत पड़ो, समझे? पढ़ाई पे ध्यान दो। पर चिमकांडी मैम तो कहते हैं कि बच्चों का जीवन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। क्या बोला तूने? सर कच्ची मिट्टी की तरह होता है। नहीं उससे पहले क्या बोला तूने? सर चिमकांडी। पढ़ाई पे ध्यान दो, जाओ अपनी कक्षा में। सीधा सर आपका पेन गिर गया।